News 18, India. संदेश खाली से जुड़ी एक और ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। संदेश खाली घटना को लेकर एनआईए तफ्तीश की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार के पास इस घटना को लेकर उच्च स्तरीय जांच की मांग जो बीजेपी नेताओं की ओर से की गई है, उसके बाद ये मामला एनआईए को दिया जा सकता है। और खबर ये भी है कि राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और अन्य एजेंसियों द्वारा केंद्र सरकार को मुहैया करवाई गई सूचना के आधार पर एनआईए की जांच का फैसला भी लिया जा सकता है। तो संदेश खाली से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है। संदेश खाली घटना को लेकर एनआईए की तफ्तीश की तैयारी है। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार के पास इस घटना को लेकर उच्च स्तरीय जांच की मांग जो बीजेपी नेताओं की गई है, उसके बाद से मामला एनआईए को दिया जा सकता है। और संदेश खाली पर आज का दिन काफी अहम रहने वाला है, क्योंकि संदेश खाली से जुड़ी तीन बड़ी खबरें होंगी। पहली ये कि बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी आज संदेश खाली जाएंगे। वहीं सूत्रों के मुताबिक खबर यह भी है कि एनआईए को इस मामले की जांच सौंपी जा सकती है। लेकिन तीसरी बड़ी खबर यह है कि आज राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा पश्चिम बंगाल के डीजीपी और मुख्य सचिव से मुलाकात करेंगी। तो तीन बड़ी खबरें संदेश खाली से जुड़ी हुई जिन पर नजर रहेगी। संदेश खाली से जुड़ी हुई पहली ये कि बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी आज संदेश खाली जाएंगे। रेखा शर्मा क्या कुछ कहती हैं, एनआईए की जांच, एनआईए क्या जांच सौंपी जाएगी, इन सब पर नजर होगी। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में सियासी संग्राम लगातार बढ़ता चला जा रहा है। आज संदेश खाली में हुई घटना पर राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा पश्चिम बंगाल की डीजीपी और मुख्य सचिव से मुलाकात करेंगी। लेकिन उससे पहले कल रेखा शर्मा संदेश खाली दौरे पर थी। वहां उन्होंने पीड़ित महिलाओं से मुलाकात करने के बाद बड़ा बयान दिया। उन्होंने पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की जरूरत बताते हुए कहा कि राज्य में महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस अपनी भूमिका निभा रही है। अभी तक दो ही व्यक्ति अरेस्ट हुए हैं, लेकिन उनका जो सरदार है वो शाहजहां, वो अभी तक बाहर है। और जब तक वो अरेस्ट नहीं होगा, मुझे नहीं लगता कि वो वहाँ पर सुरक्षित होंगी। मेरा विचार है कि प्रेसिडेंट रूल होना चाहिए, क्योंकि प्रेसिडेंट रूल के बिना पुलिस नहीं काम कर पाएगी या कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे काम नहीं कर पाएगा। अभी तक अगर बचाया जा रहा है शाहजहां को, तो वो इसीलिए क्योंकि वो किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी में है, इसलिए उसको बचाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती, पुलिस अपना पार्ट नहीं प्ले कर रही। आज भी मैंने एसपी को बोला है कि एसपी साहब वहाँ पे कुर्सी पे बैठे थे जब मैं एक एक गली में घूम रही थी। उनकी ड्यूटी थी कि मेरे साथ आते और महिलाओं को सुनते, अपने आप सुनते कि क्या, मुझे नहीं सुनाना पड़ता उनको, वो खुद सुनते कि महिलाएँ क्या कह रही हैं। और सिर्फ अगर आप पेपर पे चलोगे कि वो मोलेस्टेशन कह रही है, और वो लेडी कह रही है कि आप सर समझिए, मैं वो शब्द नहीं बोल सकती, मैं, मेरा बच्चा 12वीं में है, मैं वो शब्द नहीं बोल सकती, अगर मैं बोलूंगी तो मेरा बच्चा क्या सोचेगा, लेकिन वो समझना नहीं चाहते। और आज बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी संदेश खाली जाएंगे, जहां वो पीड़ित परिवार के लोगों से मुलाकात करेंगे। साथ ही शुभेंदु अधिकारी गिरफ्तार किए गए बीजेपी नेताओं के परिजनों से भी मिलेंगे। कलकत्ता हाईकोर्ट ने संदेश खाली से धारा 144 हटाने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने शुभेंदु अधिकारी को भड़काऊ बयान न देने के भी आदेश दिए, जिसके बाद शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि वो आज संदेश खाली जाएंगे। नहीं पकड़ा, ड्यू टू इलेक्शन, एक गुंडागर्दी करता है, वोट लूटता है, उसको संरक्षण देख के रखा है। वसीराट, बारासात, ये सब चुनाव में लोकसभा से जीतने के लिए एक गुंडा लोग का जरूरत है, शौकत मोल्ला का जरूरत है, राजा गाजी का जरूरत है, फलता का जहांगीर का जरूरत है, शहीदुल गाजी का जरूरत है, शाहजहां का भी जरूरत है। देखिए परमिशन 12 तारीख भी गया था, ये लोग फिर 140 पर लगाया सीधा चैलेंज कर। आज स्पेसिफिक ऑर्डर मुझे मिला, वह 9 बजे कलकत्ता से निकलकर 11 बजे के अंदर पहुंच जाऊंगा, और जो विक्टिम फैमिली है उसका साथ मुलाकात करना, खास करके बीजेपी कार्यकर्ता अरेस्ट हुआ है उसका फैमिली मेंबर का साथ मुलाकात करना मेरा फर्ज बनता है। वो एरिया में बहुत सारा भाजपा कार्यकर्ता है, और बंगाल का मेन ऑपोजिशन के नाते हम लोग का फर्ज बनता है, बेसहारा जो जनता है, खास करके हमारी जो मातृशक्ति है, देवी शक्ति है, लेडीज लोग है, उनका साथ देना हम लोग का ये ड्यूटी है। आप
पिता और कमलनाथ के करीबी माने जाने वाले सज्जन वर्मा ने दावा किया कि कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ पार्टी नहीं छोड़ेंगे। कांग्रेस में हैं, कांग्रेस के हाईकमान हैं, खुद वो वरिष्ठ नेता हैं। दिल्ली पुलिस ने अवैध हथियारों की सप्लाई करने के आरोप में एक आदमी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसके पास से 12 पिस्तौल जब्त करने का भी दावा किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी 200 से ज्यादा पिस्तौलों की सप्लाई कर चुका है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी को शर्तों के साथ संदेश खाली जाने की मंजूरी दे दी। अदालत ने साफ किया कि शुभेंदु अधिकारी को इस बात की जानकारी देनी होगी कि वो संदेश खाली में कहां कहां जाएंगे। इसके अलावा उन्हें कोई भी उकसाने वाला भाषण न देने की भी हिदायत दी गई। कोर्ट बोला है मैं जाऊंगा, पूछ पाएगा नहीं तो कल देखा जाएगा। सूत्रों के हवाले से खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 मार्च को पश्चिम बंगाल का दौरा कर सकते हैं। खबर है कि वो बारासात शहर में महिलाओं को संबोधित करेंगे। बारासात इलाके में ही संदेश खाली गांव है। इस बीच जम्मू कश्मीर में हो रही भारी बर्फबारी की वजह से वहां रहने वाले लोगों की मुसीबतें बढ़ गई, क्योंकि आसमान से इतनी ज्यादा बर्फ गिरी कि इस केंद्र शासित प्रदेश की कई अहम सड़कें बंद हो गई। बर्फबारी की वजह से वहां की सड़कों पर बर्फ की मोटी परत जम गई और उसकी वजह से सड़कों पर लंबा जाम लग गया। बारामूला के गुलमर्ग से जो तस्वीरें सामने आई उनमें एक तस्वीर में वहां हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आई। सड़क के किनारे कई इंच बर्फ जमी दिखाई दी। बर्फ गिरने की वजह से सड़कों पर फिसलन बढ़ गई और उसकी वजह से सड़कों पर लोगों को गाड़ी चलाना तक मुश्किल हो गया। बर्फबारी और जैम से गाड़ियां वहां रेंगती नजर आई। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, ये आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा बर्फ सड़कों पे जमा हुई है, फिसलन बहुत ज्यादा है। अब बहुत ही एहतियात के साथ जो है गाड़ियां लोगों को चलानी पड़ रही हैं। हालांकि लोगों को परेशानी से बचाने के लिए वहां प्रशासन की कुछ गाड़ियां बर्फ हटाने के काम में जुटी दिखाई दी। इसी तरह की एक दूसरी तस्वीर रामबन जिले से भी सामने आई। वहां भारी बर्फबारी की वजह से पूरा इलाका दूध की तरह सफेद नजर आया। आसमान से इतनी ज्यादा बर्फ गिरी कि मकान, होटल, पेड़ पौधे और कार की छतें बर्फ से ढक गईं। जबकि वहां से आई एक दूसरी तस्वीर में बारिश की वजह से पहाड़ों के मलबे ने जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने वाले हाईवे पर कब्जा कर लिया और उसकी वजह से वहां भी गाड़ियों की लंबी कतार लग गई और कई जगहों पर तो जैम की वजह से हालात बिगड़ गए। यहां तक कि सचिन तेंदुलकर के परिवार को भी इस जैम से दोचार होना पड़ा। ये तब हुआ जब जम्मू कश्मीर में गुलमर्ग जाने के दौरान भारी बर्फबारी की वजह से सड़क पर जैम लग गया और उसी जैम में सचिन तेंदुलकर का परिवार कुछ देर के लिए फंस गया। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें एक तस्वीर में सचिन की कार बारामूला के तंगमर्ग इलाके में बर्फबारी की वजह से लगे जैम में फंसी दिखाई दी। तो आप देख सकते हैं सचिन तेंदुलकर जो है ये गुलमर्ग की तरफ जा रहे हैं पूरी फैमिली के साथ और यहाँ पे अभी ये टंगमर्ग पहुंचे हैं। सचिन जी कैसा लगा कश्मीर? सचिन अपनी कार में अकेले नजर आए जबकि उनकी पत्नी अंजलि और उनकी बेटी सारा ठीक उनकी कार के पीछे चल रही एक दूसरी कार में बैठी दिखाई दी। सारा जी कैसा लग रहा है यहाँ पे, प्लीज कैसा लगा कश्मीर? I want to know, सारा जी कैसा लगा कश्मीर? मैम प्लीज न्यूज मैम मैम मैम। बर्फबारी की वजह से सड़क पर गाड़ियों की लंबी लाइन दिखाई दी। हालांकि बाद में पुलिस के जवानों ने सचिन और उनके परिवार को जैम से बाहर निकाल लिया। लेकिन लोगों की मुसीबतें यहीं खत्म होती नहीं दिख रही, क्योंकि मौसम विभाग ने 20 और 21 फरवरी के लिए पहाड़ी राज्यों में भारी बर्फबारी का अलर्ट जारी कर दिया। मतलब आने वाले 2 दिन जम्मू कश्मीर और दूसरे पहाड़ी राज्यों के लिए परेशानी भरे हो सकते हैं। जबकि पिछले कुछ दिनों से जम्मू कश्मीर में आसमान से बर्फ की शक्ल में आफत बरस रही है। सिर्फ बारामूला और रामबनी नहीं बल्कि कुपवाड़ा और उधमपुर समेत दूसरे कई जिलों में भी बर्फबारी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया। आसमान से इतनी ज्यादा बर्फ गिरी कि दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ बर्फ ही नजर आई। लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए परेशानी उस वक्त बढ़ गई जब मौसम विभाग ने वहां भारी बर्फबारी का अलर्ट जारी कर दिया। मौसम विभाग के अलर्ट के मुताबिक 20 और 21 फरवरी को जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी और कुछ इलाकों में भारी बारिश भी हो सकती है। सिर्फ जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के भी ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम विभाग ने बर्फबारी और बारिश का अनुमान जताया। इसी वजह से ये आशंका जताई जा रही है कि आने वाले कुछ दिन पहाड़ी राज्यों में रहने वालों के लिए मुसीबत बन सकती है।